सो हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे एक्यूरेटी की। जो हम लोग मास्टर क्लास को हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, तो उसी को मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज IFM के बारे में, जिसकी है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया। अब IFM बेसिकली किस पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान के चले कि मेरे पास ये एक ब्रांच है, ब्रांच वन, जहाँ पे मेरे पास क्या है, एक डोमेन कंट्रोलर है, राइट, एक DC है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक और नया ब्रांच है, ब्रांच टू, ठीक है, जहां पे मुझे एक और DC डिप्लॉय करना है। अब ये जो दोनों ब्रांच हैं, ये किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये मेरे पास एक और DC मुझे यहां पे डिप्लॉय करना है। तो अब मान के चले जब हम यहां पे DC को डिप्लॉय करेंगे तो होगा क्या, जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्राइमरी DC है, तो इस DC का जो डेटाबेस होगा वो पूरा का पूरा कहां पे रेप्लिकेट करेगा, आपके दूसरे साइट के ऊपर। और ये जो आपका रेप्लिकेशन होगा वो ओवर द इंटरनेट होगा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान के चले जो ये जो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो आपका है बिटवीन टू साइट्स, ये लिंक है आपका स्लो लिंक है। अब जब रेप्लिकेशन आपके दोनों साइट के बीच में होगा, जब आप यहाँ पे DC डिप्लॉय करो, तो ये सारा का सारा डेटाबेस वहां पे कॉपी होगा। अब क्या है कि अगर मान के चले कि मेरा ये जो लिंक है स्लो है, तो होगा क्या कि आपका यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन फेल हो जाएगा। रेप्लिकेशन फेल होने से क्या होगा कि आपकी यहाँ पे DC डिप्लॉय नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा डेटाबेस वहां कॉपी होना है। तो अब सोल्यूशन क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डोमेन कंट्रोलर का ना हम क्या कर सकते हैं, एक इंस्टॉलिंग फाइल, इस डोमेन कंट्रोल जो इंस्टॉलिंग फाइल है, ठीक है, इंस्टॉलिंग फाइल को क्या करेंगे हम यहां पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक नोटपैड की फाइल होगी, और मतलब आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स होगी, उस स्क्रिप्ट को एज अ फोल्डर, दो फोल्डर बन जाएंगे आपके, ठीक है, फोल्डर वन फोल्डर टू। अब ये जो फोल्डर्स बनेंगे जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इस फोल्डर को बेसिकली हमें यहां पे क्या कराना है, यहां पे शेयर करना है। अब शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप गूगल ड्राइव पे शेयर कर रहे हैं, चाहे आप इसको डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जब आपके पास ये फाइल यहां पे स्टोर हो जाएगी, ये वाली फाइल मुझे कहां करनी है, इस यहां पे सर्वर के ऊपर क्या करनी है, डाउनलोड करनी है, वो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम यहां पे एक्यूरेटरी की, यानी जो ये फाइल है, ये मैं इस सर्वर के किसी ना किसी ड्राइव में स्टोर करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, मैं यहां पे विद द हेल्प ऑफ IFM इंस्टॉल फॉर मीडिया को यूज करते हुए मैं इसी फाइल के थ्रू यहां पे DC डिप्लॉय करूंगा। मतलब डेटाबेस पहले से ही अपना यहां पे बना लेगा, यानी विद द फाइल ऑफ, मैं इसका डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लूंगा, और इस डेटाबेस को मैं यहां पे थ्रू मेल या व्हाटएवर, जैसे मुझे उसको पहुंचाना है, मुझे इस फाइल को वहां पे पहुंचाना है थ्रू द नेटवर्क, देन उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली IFM की मदद से मुझे यहाँ पे क्या करना है, DC को डिप्लॉय करना है, DC डिप्लॉय। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे एक मान के चले कि साइट हमारे ब्रांच वन, मान के चले ये मेरी इंडिया की साइट है, ये मेरी ब्रांच जो है इंडिया में, और ये मेरा US में। तो ऑब्वियसली यार इंडिया से US में अगर मुझे डेटा को रेप्लीकेट करना है, आपको बहुत हाई बैंडविड्थ चाहिए होगी। तो इन दैट केस अगर हाई बैंडविड्थ नहीं होगा तो आपका डेटाबेस वहां पे कॉपी नहीं होगा और आपका वहां पे DC डिप्लॉय नहीं होगा। तो फिर इस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल फॉर मीडिया का यूज करके हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, वी विल मूव क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और वहां पे हम लोग इस प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो चलिए लैब को स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि किस तरह का मेरा सर्वर है, ठीक है। तो मेरे पास एक ये डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी डोमेन है, जिस माई प्राइमरी DC, और इसकी IP एड्रेस है 192.168.200.69, ठीक है। ये मेरे डोमेन की IP है और ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, और मेरा जो डोमेन है विच इज़ techlab.local, ये मेरे डोमेन का नाम है, ठीक है। एक्यूरेटी जो डोमेन कंट्रोलर है उसका जो डोमेन है विच इज़ techlab.local, ठीक है। तो ये मेरे पास साइट, ये सपोज दिस इज माई साइट ए है, ठीक है, दिस इज माई साइट वन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास
मान के चलो कि मेरे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास ये साइट टू है और यहाँ पे मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है, ये मेरी साइट टू है। तो मेरे पास एक और सर्वर है, ठीक है, साइट टू पे, और अभी फ़िलहाल ये वर्क ग्रुप पे है, नाउ इट इज़ इन वर्क ग्रुप, और इसकी जो आईपी है वो है 192.168.200.177, ठीक है। और इस पे अभी कोई भी रोल सर्विसेज कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, जस्ट एक फ्रेश विंडोज सर्वर की जो इंस्टॉलेशन है वो मैंने सर्वर के ऊपर किया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने 69 वाले सर्वर को, मतलब जो मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसको एक्सेस करूँगा, तो उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले से एक्सेस किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये 192.168.200.169, ये मेरा मेन डोमेन कंट्रोलर है। कैसे वेरीफाई करोगे आप, स्टार्ट पे जाओ, सब मैनेजर पे आ जाओ, और यहाँ पे आप टूल में जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में साइट्स पे जाएंगे आप, कंप्यूटर एंड यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो इस कंप्यूटर का जो मेरे जो पी सर्वर है इसका नाम है DC DC 2K19, ये मेरे सर्वर का नाम है, ठीक है, होस्ट नेम है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, माय कंप्यूटर पे जाइए, दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अ DC 2K19, ठीक है। और ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है। कैसे वेरीफाई करोगे, दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हो आप, ये मैंने गलती से साइट एंड सर्विसेज ओपन कर लिया था, आप इस पे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे यूजर्स एंड कंप्यूटर में आने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन कंट्रोलर मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए DC 2K19 क्या है मेरा, ये GC बना हुआ है, मतलब ये मेरा क्या है, डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सर्वर पे ओपन करना है पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आप ओपन कर रहे हो वो आपको विंडोज़ पावर शेल, जो भी आप ओपन करना चाहे CMD करें, विंडोज़ पावर शेल करें, आपको एडमिन के प्रिविलेज के ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने राइट क्लिक करके विंडोज़ एडमिन पे मैंने कर लिया इसको, यहाँ पे जाएं, आप पावर शेल टाइप करें, और ये जो एडमिन वाला आएगा यहाँ पे, राइट क्लिक करें यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे भी आ जाएगा पावर शेल विद एडमिन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडमिन प्रिविलेज के साथ आएगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइप करना है NTDS util, ठीक है, सॉरी NTDS टाइप करना रहेगा, NTDS, यहां पे आपको टाइप करना है NTDS, ठीक है, यहां पे आपको टाइप करना है NTDS util, एंटर मारना है। अब आप देखें कि NTDS यूटिल के अंदर आ चुके हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज यूटिलिटी है, तो ये आपकी यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है IFM और एंटर करना है। जब IFM को टाइप करेंगे तो यहाँ पे इसने एक वार्निंग दी है कि एक्टिव इंस्टांस नॉट सेट, तो आपको आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है इंस्टांस को, ठीक है, यानी आपको सबसे पहले ये कमांड रन करना है। तो आप लिखेंगे एक्टिवेट इंस्टांस NTDS, एक्टिव इंस्टांस सेट टू NTDS, तो ये आपको सेट करना था, तो मैंने इसको कमांड से एक्टिवेट एक्टिवेट इंस्टांस NTDS मैंने इसको सेट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे IFM कमांड चलाना है और एंटर मारना है। जैसे मैं IFM करूँगा तो मैं यहाँ पे IFM के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे करें क्वेश्चन मार्क, एंटर। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक DC डोमेन कंट्रोलर मुझे डिप्लॉय करना है, ठीक है, RODC करना चाहो तो आप ये कमांड दे सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, DC डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करना है, तो मैं क्रिएट फुल, आपको क्रिएट फुल कमांड देना है, और ये है आपका फोल्डर, जिस फोल्डर या किसी ड्राइव के अंदर आप बनाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव में, क्योंकि मेरे पास सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव के अंदर मैं एक IFM नाम का फोल्डर बनाना चाहता हूँ। आप ये फोल्डर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं IFM यहाँ पे देता हूँ, और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आपकी एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा ये, ठीक है। वेट करते हैं कंप्लीट होने का। तो ये जो मैं कमांड जो मैं रन कर रहा हूँ, ये आपका मेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को रन कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगी और इससे एक फाइल जनरेट हो जाएगी सी ड्राइव में, ठीक है। तो वेट करते हैं इसका होने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जितना ज़्यादा आपका सर्वर का डेटाबेस होगा उतना ज़्यादा ये टाइम लगेगा। यू हैव टू सेव टेक पेशेंस, आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये सक्सेसफुली IFM की जो मीडिया फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप करें क्विट,
यहाँ से करें आप क्विट और यहाँ से पावर शेल को कर दें एग्जिट, ठीक है। इतना करने के बाद आप सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद आप देख सकते हैं ये आई एफ एम नाम का फोल्डर, जैसे मैंने बताया था आपको एक्सपोर्ट करना रहेगा, इस पर डबल क्लिक करें। ये दो फाइल आपकी आ गई है, एक्टिव डायरेक्टरी एंड रजिस्ट्री, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन ये जो आपकी आई एफ एम वाली फोल्डर है, इस फोल्डर को मुझे उस सर्वर तक पहुँचाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको नेटवर्क पर शेयर कर देता हूँ। प्रॉपर्टी पर चले जाइए, शेयर पर आ जाइए। ये शेयरिंग के बारे में डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि शेयर एंड सर्विसेज को कैसे हम सिक्योरिटी को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे हमें फोल्डर को शेयर करना है वो बता रहा हूँ आपको। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आना है और यहाँ पे शेयर पे जाना है और एडवांस शेयर पे जाना है। शेयर दिस फोल्डर पर क्लिक करना है। परमिशन पर अभी आप क्या करें, फुल परमिशन दे दें एवरीवन को, ठीक है। मैंने एवरीवन को फुल परमिशन दे दिया। अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके एंड क्लोज। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो आपका 177 वाला जो सिस्टम सर्वर है जिसमें अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, आपको पहले वहाँ जाना है। तो मैं इसका रिमोट ले लेता हूँ यहाँ से। सो मुझे 200.177 के ऊपर, सॉरी 177 इस सर्वर पे जाना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना है, क्योंकि इसके ऊपर अभी आपका किसी भी तरह का कोई यूज़र नेम कोई डोमेन कंट्रोल तो क्रिएट नहीं है, तो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करना है। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के लिए डॉट लगा के बैक स्लैश लगाइएगा और यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का नाम देना है एंड देन पासवर्ड जो भी आपने सेट किया होगा वो आप यहाँ पर एंटर करें और एक्सेस कर लें, ठीक है। मैं भी को दिखा देता हूँ, ये मेरा वर्क ग्रुप पर रहेगा, अभी कुछ भी इस पर नहीं है, बस आपको कुछ सेटिंग इसके अंदर पहले करना रहेगा। तो ये मेरे पास 177 वाला सर्वर है, दिस इज़ द 177, दिखा देता हूँ आपको मैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए आईपी कॉन्फ़िग कमांड। तो ये मेरा 200.177 है। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके प्रॉपर्टी जाके अगर मैं आपको चेक कराऊँ, राइट क्लिक दिस पीसी एंड प्रॉपर्टी, तो इसका नाम मैंने कंप्यूटर का एडीसी रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको डोमेन कंट्रोल बनाना चाह रहा हूँ। और ये मेरा वर्क ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर किसी भी तरह का रोल भी इंस्टॉल नहीं है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी नेटवर्क प्रॉपर्टी पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आके TCP/IP4 पे जाके ध्यान रहे कि जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है उसकी DNS की एंट्री यहाँ पे ज़रूर डाल दें। तो मेरे जो सर्वर की IP है, DNS सर्वर जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर वो एज़ वेल एज़ DNS भी है वो, तो 192.168.269 मेरा IP था उस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का, तो उसका IP भी आपको यहाँ पे एज़ अ DNS में एंट्री करना है। देन क्लिक ओके। अब आपको क्या करना है, रोल पे जाना है। अभी साइट 2 है जहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा US में रखा हुआ है, तो वो जो फाइल है उस फाइल को आपको यहाँ पे पहले स्टोर करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो फाइल आप गूगल ड्राइव जैसे भी आपको शेयर करना है, नेटवर्क पर शेयर करना, मतलब इस सर्वर तक लेकर आना है उस फाइल को। तो मैंने नेटवर्क पर शेयर किया हुआ, तो आई सेट 192.168.200.69 एंटर, और ऑब्वियसली मेरा वो डोमेन कंट्रोलर है तो यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा सॉरी मेरा डोमेन का नाम है टैक लैब और बैक स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अपने डोमेन का नाम दें, .com लगाने डॉट, जैसे मेरा टैक लैब डॉट लोकल है तो पूरा टाइप कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टार्टिंग वाला टैक लैब लगाएं, डॉट लोकल वाला आप ना लगाएं तो भी चलेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करें और एट द रेट लगा के टैक लैब डॉट लोकल आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पासवर्ड है उसका वो डाल दीजिए, वेट करते हैं। ठीक है, ये आईफोन वाला फोल्डर आ गया, इसको कॉपी करो। और आप क्या करो, इसको यहाँ से इन फाइल को कॉपी कर लो और कॉपी करके मैं भी इसको अपने सी ड्राइव में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई सेड यहाँ पे मैं भी एक IFM नाम का फोल्डर ही बना लेता हूँ। नाम आप कुछ भी बनाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम इसका IFM रखा और इसी के अंदर वो सारे फाइल जो दो फाइल थे मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। छोटी सी फाइल है, बहुत मिनिमम, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊँ बहुत मिनिमम सी फाइल है, 47 MB की है, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन योर डेटाबेस, ठीक है।
तो आपको इस फाइल को यहां तक पहुंचाना है। अब आपको क्या करना है, आपको सब मैनेजर पे जाना है, टूल पे आना है, सॉरी नॉट टूल, मैनेज पे जाएं, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करें और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, सर्वर सिलेक्शन आपको इसी के ऊपर रोल स्टॉक इस पर क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना है, ऐड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। तो वेट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के इस सर्विसेज को इंस्टॉल होने का, ठीक है, इसमें हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा, तो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जब ये कंप्लीट होता है फिर हम लोग वापस आते हैं। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है मेरा, ठीक है। अब यहां से आपको करना है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि मुझे इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहां पे आपको अपने डोमेन का नाम जो भी अपने देना है, जैसे मैंने techlab.local, तो मेरा जो डोमेन चल रहा है उसी डोमेन को यूज करते हुए यहां पे डीसी डोमेन डीसी डिप्लॉय करूंगा, तो आई सेट techlab.local, ठीक है। यहां पे चेंज पे जाएं, यूजर नेम पासवर्ड अब आपको अपने डोमेन का देना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट techlab.local, ठीक है, और पासवर्ड जो भी है इसका वो पासवर्ड आप दे दें, देन क्लिक ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे डोमेन का डीएनएस सर्वर आपको रोल इंस्टॉल करना है, और डीएनएस सर्वर भी आप चाहें तो ऐसा अनचेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि डीएनएस सर्वर की सर्विसेज ना इंस्टॉल हो तो आप यहाँ पे अनचेक करें, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी है तो मुझे डीएनएस के साथ में ही इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी यहाँ पे चेक रहने देना है। अब ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या काम करता है, क्या रीज़न है, किस तरह से काम करता है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीड ओनली डोमेन कंट्रोल मैं बता चुका हूँ लास्ट में कैसे बनाना है, तो आप यहां से भी रीड ओनली डोमेन कंट्रोल इसको बना सकते हैं, तो मैं इसको रीड ओनली बनाना नहीं चाहता। पासवर्ड आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे मैं ये आपका रिकवरी पासवर्ड है, इसके बारे में मैं डिटेल में बैक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरा जो एक्टिविटी का इंस्टॉलेशन वाला जो वीडियो वो देख सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगी, ये पासवर्ड हमारा कहां पे रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी साइट नहीं बनी है, एक ही सिंगल साइट चल रही है, तो इसलिए यहां पे इसके साथ ही मैं जा रहा हूं डिफॉल्ट साइट एंड सर्विसेज के साथ। इसके अलावा भी जब हम साइट एंड सर्विसेज के बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट पासवर्ड को सेट करके आगे बढ़ना है। मेरे ख्याल से पासवर्ड शायद इसमें मिसमैच हो गया, इस वजह से ये ऐसा दिखा रहा है, इसको जाइए एडमिन, तभी मेरा नेक्स्ट बटन जो था हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो ठीक है, यहां से आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वेट करना है, यहाँ पे ये डीएनएस की डेलीगेशन को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरेटिव पेरेंट जोन कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेट मी चेक कहीं इसके ऊपर डीएनएस की सर्विसेज तो इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये पहले डोमेन कंट्रोलर था मेरा, ये मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था, आई होप सो नहीं है, तो लेट मी अगेन डू दैट, नेक्स्ट, हाँ यहां से आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ रहा है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं, प्रीवियस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास जैसे ये वाला ऑप्शन डीएनएस वाला ऑप्शन था, ये कह रहा कि द डेलीगेशन फॉर द डीएनएस सर्वर कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द ऑथोरिटेटिव पेरेंट कैन नॉट बी फाउंड, तो ऑब्वियसली अभी ये डीएनएस सर्वर तो है नहीं, इसको ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, तो अब आपको इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया पे क्लिक करना है, और जो मैंने फोल्डर अभी जो सी ड्राइव में मैंने अभी डाउनलोड किया है उस फोल्डर को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करना है, तो वेट करते हैं। ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ऑफलाइन डेटाबेस आपका क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा जो इंडिया का साइट है वहाँ पे जो डोमेन कंट्रोल है, जब मैं डायरेक्टली
इस प्रोसेस को अप्लाई करूंगा विदाउट इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, तो हो सकता है मेरी लिंक में क्या हो, स्लो होने की वजह से मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन फेल हो, मेरा डीसी डिप्लॉय ना हो, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया कर रहे हैं। तो आपकी डाउनलोडिंग फाइल आ चुकी है, उसी फाइल के थ्रू हम लोग इंस्टॉलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, देन आपको यहाँ से पाथ बता लेना है। तो मेरा कौन सा था, सी ड्राइव था, सी ड्राइव में मेरा आईफोन वाला फोल्डर है, जस्ट क्लिक ओके बटन। ये डन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो रेप्लिकेट है वो कहाँ से करें, जब ये कम्प्लीटली आपका जब एक्टिविटी इंस्टॉल हो जाए तो रेप्लिकेट कौन से सर्वर से हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एनी सर्वर के साथ भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, हमें रेप्लिकेशन, हमें वो सर्वर चूज़ करना होता है जो कि इसका नियरेस्ट सर्वर है। ठीक है, मान के चले कि मेरे पास ये जो सर्वर है इंडिया में है, मतलब इंडिया के किसी लोकेशन पे, गुड़गांव में मैं जैसे गुड़गांव मान के चलता हूँ, और एक दिल्ली में मेरे पास साइट पड़ी हो, और मेरा एक डोमेन कंट्रोल मुझे डिप्लॉय करना है यूएस में। ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मान के चले कि मेरे पास तीन साइट हैं, फिलहाल के लिए मेरे पास दो साइट हैं। ठीक है, एक है इंडिया, इंडिया में मेरे दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, ठीक है, और मेरे पास एक यूएस में मेरा ऑफिस है। ठीक है, दिल्ली में एक ऑफिस है, इंडिया में, ये इंडिया में दिल्ली में ऑफिस है, एक मेरा यूएस में ऑफिस है। तो दिल्ली में भी मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है और यूएस में भी एक डोमेन कंट्रोलर है। मेरा क्या किया, हमने एक और ब्रांच इंडिया में ही किसी अदर लोकेशन पे ले लिया, मान के चले मैंने इसको ले लिया चेन्नई, चेन्नई में हमारी एक नई साइट ओपन हुई, तो मुझे वहाँ पे भी एक डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहाँ के यूजर्स को भी तो ऑथेंटिकेट करवाना है। अब जब मैं इसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करूँगा, तब आपके हिसाब से जब इस सर्वर के ऊपर जब इंस्टॉलेशन हो जाए कंप्लीट, तो ये रेप्लिकेशन किस सर्वर से करें, दिल्ली वाले सर्वर से करें या यूएस वाले से करें? तो ऑब्वियसली जो मेरा नियरेस्ट सर्वर होगा मैं उसी से रेप्लिकेशन करवाऊंगा, जिससे मेरी रेप्लिकेशन क्या होगी, फास्ट होगी। तो जब मान के चले इस सर्वर का नाम है दिल्ली डीसी, ठीक है, डॉट टेक लैब डॉट लोकल, ये फुल कंप्यूटर नेम हो गया। ऐसे मेरे पास यूएस है तो मैंने लिखा यूएस डीसी डॉट टेक लैब डॉट लोकल। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जब चेन्नई का करूँगा तो मैं लिखूँगा चेन्नई, ये कंप्यूटर का नाम है डीसी का, चेन्नई डीसी डॉट टेक लैब डॉट लोकल। तो ध्यान रखना, जब भी आप इस कंप्यूटर पे, जब सर्वर पे जब आप डीसी डिप्लॉय करोगे, तो रेप्लिकेशन के लिए जो डीसी सर्वर सेलेक्ट करोगे आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, दिल्ली डीसी टेक लैब डॉट लोकल वाला सर्वर, क्योंकि नियरेस्ट सर्वर आपका दिल्ली में है, ताकि जब भी कोई डीसी के अंदर कोई मैं यूज़र क्रिएट करूं, कोई डिलीट करूं, किसी में मोटिवेशन करूं, तो आपका तुरंत वो चीज़ रेप्लिकेट हो जाए दूसरे सर्वर पे जो कि नियरेस्ट सर्वर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो सर्वर चूज़ करते हैं जो रेप्लिकेशन जिससे हमें करवाना है। तो अभी मेरे केस में एक ही डोमेन कंट्रोलर है, तो मैं यहाँ पे एनी के साथ भी जा सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट रिकमेंड आप डायरेक्टली यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो मेरे पास एक ही डीसी है तो इससे ये रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये वो लोकेशन है जहाँ पे ये अपना डेटाबेस को स्टोर करेगा, ये ग्रुप पॉलिसी फोल्डर से सिसवॉल फोल्डर में जाता है, बाकी आपका ये फाइल है। नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, ये प्रीरिक्विजिट्स वगैरह चेक होगा, देन उसके बाद आप इंस्टॉलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वेट करते हैं, एवरीथिंग इज डन, यहाँ पे लिखा रहा ऑल प्रीरिक्विजिट्स चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक द इंस्टॉल बटन, बिगिन द इंस्टॉलेशन, आई सेड क्लिक इंस्टॉल। तो अभी आपका ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन कैसे कर रहा है, जो वो फोल्डर हमने यहाँ पे डाउनलोड किया उसके थ्रू कर रहा है, यानी इससे आपका उस डेटा से कुछ रेप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पहले ये पूरा इंस्टॉलेशन उसी फोल्डर के थ्रू करेगा, उसके बाद जब रेप्लिकेशन वगैरह नेक्स्ट टाइम करना होगा वो डायरेक्टली लिंक के थ्रू करेगा, लेकिन यहाँ पे जो ये डिप्लॉय हो रहा है वो ऑफलाइन डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो बहुत बढ़िया, इसका ये यूज़ ले सकते हो, ये कई बार हमें यूज़ करना पड़ जाता है जब हमारे पास साइट्स डिफरेंट हो जाती है और एक उस पर लिंक का इशू आ जाता है, उस केस में अगर हम डिप्लॉय करें डायरेक्टली लिंक के थ्रू तो फिर इशू आ सकता है, इसलिए हम लोग IFM की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीसी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, तब मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम वापस आते हैं। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है और अब ये रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही, तो ये देख सकते हैं कंप्लीटली हो गया है, तो उसको क्लोज कर लीजिए
और वेट करते हैं इसके रिस्टार्ट होने का। तो वीडियो थोड़े लेंथी होते हैं क्योंकि देखिए कि ऑब्वियसली यार, क्योंकि जो हम चीज़ें सब सीखते हैं तो जब तक हम उसको डिटेल में सीखते हैं फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए वीडियो थोड़े लेंथी होते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज कुछ ना कुछ स्टेप अगर आप मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अभी आपका ये कंप्लीट जो है इंस्टॉलेशन परफॉर्म हो गया, रिस्टार्ट हो गए, अभी जैसे ही रिटर्न आएगा तब हम वापस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये रिस्टार्ट हो गया, आ चुका है, तो कुछ सेटिंग्स वगैरह अभी इस पे होना है, तो अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हो रहा है सर्वर के ऊपर डीसी का, तो ऑब्वियसली विल टेक सम टाइम, तो यू हैव टू टेक पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कंप्लीट होने देते हैं इसको। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुके आ चुका है, तो हम क्या करते हैं इसका रिमोट एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करूँगा आपके डोमेन वाले एडमिन आईडी से, तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, 177 को मैं लॉगिन कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ MSTSC 177 जिसपे और अभी हमें ADC डिप्लॉय किया हुआ है। तो मोर सेटिंग पे जाएं आप, और यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट टैक लैब डॉट लोकल और लॉगिन कर लें, तो ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ठीक है, अभी हम यूज़र वगैरह भी क्रिएट करके चेक कर लेंगे कि रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा 69 वाला सर्वर है इस पे आप वेरीफाई कर लें कि वो जो सर्वर हमने डिप्लॉय किया है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ है। तो आप टूल पे चले जाएं, यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स में जाएं, एक्टिविटी यूज़र्स एंड कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको डोमेन कंट्रोलर का जो OU है वहाँ पे जाके वेरीफाई कर लेना। देखिए ADC डिप्लॉय हो गया क्योंकि मेरे सर्वर का नाम ADC था। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पे ये ऐड भी हो चुका है। तो अभी हम बस वेरीफाई कर लेंगे कि रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं और 177 वाले सर्वर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये एक्सेस हो गया है, तो ये मेरा ADC बन गया है। तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँ और यहाँ पे DSA.MSC करूँ, इसका मतलब जो अभी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को जो अभी हमने ओपन किया था उसको अगर शॉर्टकट ओपन करना हो तो आप DSA.MSC कमांड देके भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे DSA.MSC करें आप, चाहे टूल पे जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या DSA.MSC जो मैंने अभी टाइप किया है DSA.MSC ये करके करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए टेकलैब डॉट लोकल का ये डोमेन, मतलब प्रॉपर सक्सेसफुली डोमेन ये आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको डिप्लॉय करना है जब आपके दो डिफरेंट साइट अलग अलग कंट्रीज में हो तो आप IFM की हेल्प से आप बहुत इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक रिप्लिकेट करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूज़र पे जाता हूँ और यूज़र पे जाके मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाके मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, यूज़र का नाम देता हूँ जॉन। ठीक है, सो यूज़र नेम जॉन और नेक्स्ट पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, और यहाँ से मैं कहता हूँ यूज़र, ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, हमें वेरीफाई करना है जॉन का जो यूज़र है मैंने कहाँ पे क्रिएट किया, 177 जिसके ऊपर अभी हमने सर्वर डिप्लॉय किया है। तो अब उस वाले सर्वर पे चले जाते हैं, 69 वाले पे जाके चेक करता है कि इस पर रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है, DSA.MSC। और यहाँ पे आपको यूज़र्स वाले फोल्डर पे आना है और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि जॉन आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे भी जॉन रेप्लिकेट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे जॉन थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जब भी हम डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करते हैं, एक DC को डिप्लॉय करते हैं किसी अदर साइट पे, फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं इसकी जो रेप्लिकेशन है वो मैनुअली प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे वेट नहीं करना पड़े, तुरंत वो रेप्लिकेट हो जाए फर्स्ट टाइम। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे साइट पे जाना है, सर्वर मैनेजर पे जाना है, टूल पे आना है, साइट एंड सर्विसेज यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हमें इस पे जाना है। और यहाँ पे आने के बाद जो आपका ADC है ना,
ये जी अभी हमने डिप्लॉय किया, इस पर जाना है और ये एंटिटी सेटिंग आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं रेप्लिकर कॉन्फिगर्ड फ्रॉम सिलेक्टेड डीसी, क्लिक करें ओके क्लिक करें और ये जो एंटिटी सेटिंग है इसके ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऑल टास्क रेप्लिकेट नाउ, ठीक है यहाँ पे जाएं और एक बार आपको 177 वाले पे भी जाना है और यहाँ पे भी जाके सेम काम कर लेना है। टूल पे जाना है, साइट एंड सर्विसेज पे जाना है, टूल पे जाना है, साइट एंड सर्विसेज पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइट को ओपन करना है, एक्सपेंड करना है, डिफ़ॉल्ट फाइल साइट को एक्सपेंड करना है, सर्वर को एक्सपेंड करना है, यहाँ पे वो तीनों सर्वर दिख जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इसको, ये मेरा एडीसी है तो मुझे डीसी के साथ रेप्लिकेट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और ऑल टास्क पर जाके रेप्लिकेट नाउ पर क्लिक कर लेना है, डन ओके। अब आप देखते हैं हम जो जाके हमने 177 पे क्रिएट किया था डीसी पे, अभी देखते हैं आया कि नहीं आया, तो अगेन हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, टूल यूज़र्स एंड कंप्यूटर में चलते हैं और यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि वो यूज़र जो जॉन हमें अभी क्रिएट किया था वो यहाँ भी आ जाना चाहिए। तो यूज़र में जाएँ, ये देखिए जॉन यूज़र यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं जॉन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 69 वाले सर्वर पर हूँ, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया और यस कर दिया, ठीक है। अब हम 177 वाले सर्वर पे चलते हैं, ये रहा 177 सर्वर, इस पर आते हैं, क्रॉस, इसको क्रॉस कर देते हैं, टूल पे आ जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाओ और यहाँ पे यूजर्स में जाके देखो, जॉन यहाँ से भी डिलीट हो गया है, देयर इज़ नो जॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 69 वाले सर्वर पे भी एक बार क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यूज़र के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ, न्यू यूज़र, मैं इसका नाम दे देता हूँ राजा, ठीक है, यूज़र नेम मैंने दे दिया राजा, नेक्स्ट पासवर्ड जो भी आप सेट करना चाहें, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिनिश। तो मेरे यहाँ पे राजा नाम का यूज़र बना दिया है, प्राइमरी पे मैंने बनाया है, मिनिमाइज, चलते हैं 177 वाले पे और यहाँ पे भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी राजा आ गया। तो अब एप्लीकेशन आपकी क्विकली होगी, तो फर्स्ट टाइम आपको ध्यान रखना है जब भी आप डीसी को डिप्लॉय करते हैं तो एक बार मैनुअली एप्लीकेशन चला लें और उसके बाद फिर आपके ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने IFM की हेल्प से हमने डीसी डिप्लॉय किया, तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, आप इसको अपने रियल प्रोडक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरह कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो हम उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं मैम अगले नई वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।